सो व्हाट इज कर्मा? कर्मा बेसिकली है क्या? और जैसे कि आप पूछते हैं कि कर्मा, आप कहते हैं कि अच्छे कर्म करने चाहिए कार्मिक डेब्ट को पे ऑफ करने के लिए, तो अच्छा कर्म होता क्या है, कैसे पता लगे? देखो इतनी इतनी मोटी आप कर्मा के ऊपर किताबें पढ़ लो, है ना, एंड सब में अलग अलग डेफिनेशन लिखी है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट सम में बताता हूँ कि जब हम पुरानी लाइफ से अपने कर्म जो हम लेके आए हैं वो पे ऑफ कर रहे हैं इस लाइफ में, तो इस लाइफ में उन कर्मों को पे ऑफ करते करते हम नए कर्म बना रहे हैं। अगर हम उन्हें बनाना चाहें, एक्यूमुलेट करना चाहें या ना करना चाहें, लेकिन हम एक्यूमुलेट कर लेंगे उनको, क्योंकि हम यहाँ पे हैं तो इसलिए हम उन्हें एक्यूमुलेट कर लेंगे, ठीक है। और अच्छा कर्म क्या है? आपने वो गाना सुना है, ये जो कहानी मैंने तुझको सुनानी है, पुरानी जानी मानी कही कईयों की जुबानी है, बंदा बनता तेज लेकिन कुदरत बड़ी सयानी है, जिसने थूका है मुंह पे उसने मुंह की ही खा, गौर से सुन मेरी हर एक बात को, काम तेरे ही वो आएगा, तो जो भी करेगा ऊपर वाला तेरे हिस्से में लिखता जाएगा, जो भी खोएगा वही पाएगा, जो भी बोएगा वही खाएगा, दूध दुनिया को जो भी देगा वही वापस दुनिया से तुझको आएगा, समझ रहे हो? एंड एक सिंपल सी आप बात समझ लो कि डेली बेस में आप कैसे अप्लाई करोगे। जो कर्म आपको अंदर से स्ट्रांग बनाता है वो अच्छा कर्म है, बाकी सारे कर्म बुरे हैं, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही क्लियर है। एंड जिस भी काम को करके आपको गिल्ट महसूस होता है या ऐसा लगता है कि मेरे को इसको करने के बाद झूठ बोलना पड़ेगा और थोड़ा गिल्ट आता है, तो वो बुरा कर्म है। और ये खुद आपको पता है, सारी बातें आपको खुद को पता है, क्योंकि अच्छा कर्म करने के बाद कोई सोचता नहीं ना, हाँ मैंने तीन चीज़ें होती हैं, तीन जगह जाने को कहता हूँ मैं, जिम जाओ, जिम जाने के बाद कभी गिल्ट फील होता है, अबे यार रास्ते में जिम चला गया अब क्या करूँ, या मंदिर चले जाओ, यार रास्ते में मंदिर चला गया, मंदिर जाके कभी गिल्ट हुआ है, लाइब्रेरी जाके कभी गिल्ट हुआ, यार रास्ते में मैंने बहुत पढ़ाई करी लाइब्रेरी जाके और रास्ते में धार्मिक किताबें पढ़ी करके, बहुत गिल्ट हो रहा है मुझे, तो कभी आप सोचते भी नहीं इन चीज़ों के बारे में। और ये सारी चीज़ें आपको पता है, आपके अंदर ही हैं, हर एक के अंदर हैं, हर एक को जानता हूँ मैं, डेली चार्ट पढ़ता हूँ, ठीक है, आपके अंदर ही, आपको खुद को पता है कौन सा कर्म अच्छा है, जो कर्म आपको अंदर से स्ट्रांग बनाएगा वो ही अच्छा कर्म है, बाकी सब बुरे कर्म है, ठीक है। एंड जो अदर पर्सन है, किसी को आपको परेशान नहीं करना है, और कोई आपसे फालतू बोले, फालतू किसी की सुननी भी नहीं है, क्योंकि जो डोमेस्टिक वायलेंस सहता है ना वो भी बुरा कर्म है, और ये तो हिंदुस्तान के संविधान में भी लिखा हुआ है कि जो क्राइम करता है वो तो क्राइम है ही, जो क्राइम को सहता है और बताता नहीं है वो भी क्राइम है, क्राइम सहना भी नहीं करना भी नहीं, शांत रहना, ठीक है। और कर्म अच्छे कैसे करने, जो भी कर्म आपको स्ट्रांग बनाए वो अच्छा कर्म है, बाकी सब बुरे कर्म है, क्लियर सी बात है, ये कर्मा है, और बुरे कर्म हो भी गए, गिल्ट है भी, तो ये ही सब है आपके अंदर ही है, ठीक है। कभी भी कोई किसी अगर बुरे कर्म करे भी हैं, जो गिल्ट होता है कि ये तो मेरे से गलत काम हो गया एंड दिस दैट, तो उन्हीं को आपको सुधारना है, वही कार्मिक डेप्थ है आपकी, ये आप जो पिछले लाइफ से लेके आए हैं इस लाइफ में, अब इस लाइफ में फिर आप इकट्ठा कर रहे हैं, अगली में ले जाना, चलता रहेगा यूं ही, ठीक है। सोल का पर्पस तो डेथ और रिबर्थ के साइकिल से बाहर निकलने का है, जो मेन पर्पस है ना, तो वो अच्छे कर्म करने से होगा, अपने साथ अच्छे कर्म करने हैं आपको, अपने साथ, पहले अपने साथ फिर दूसरे के साथ, ठीक है। मंदिर जाओ, जिम जाओ, लाइब्रेरी जाओ, समझ रहे हो, ठंडा पानी मत पियो ज़्यादा, ठंडी चीज़ें मत खाओ, चीनी मत खाओ, अच्छा खाना खाओ, और गिल्ट नहीं होता, एक बात बताओ, तुम वर्कआउट करते हो, प्रोटीन पीते हो, कितना तुम्हें पॉजिटिव फील होता है, अच्छा कर्म करा, खा लो तुम तीन चार दिन लगातार बर्गर फ्राइज कोल्ड ड्रिंक, लगता नहीं यार तो फैट आ गया तो गलत खा लिया, गिल्ट हो रहा है, समझ रहे हो। तो जो भी कर्म आपको अंदर से स्ट्रांग, आपके अंदर है सब कुछ आपके अंदर है, भगवान भी आपके अंदर ही है, ठीक है, कहीं बाहर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट मेडिटेशन करो, समझ रहे हो, यहाँ से होती है मेडिटेशन और यहाँ से होती है, दिमाग को शांत रखना है, अच्छे कर्म यही है, अपने साथ अच्छे कर्म करो, पहले अपना अच्छा करोगे जब ही औरों का सोच पाओगे। अगर आप अपने आप से बोली हुई बातें पूरी नहीं कर पा रहे तो दूसरों को बोली हुई बातें कैसे पूरी करेंगे आप? एंड मेरे को इतना बुरा लगता है जब लोग कहते हैं कि ठीक है 20 साल के 21 साल के लोग की हाँ हमारा तो रिश्ता टूट गया और अब हम क्या करें, अभी तुम पहले पढ़ाई पूरी कर लो, अपनी कैरियर बना लो, ठीक है, ऐसा होना तो चाहिए कि हाँ कोई खड़ा है, बंदा या बंदी जो भी है, दोनों इक्वल हैं, जेंडर सारे इक्वल हैं, जेंडर नहीं होता कभी कि ये वाला अच्छा है ये वाला बुरा है, ठीक है, इंसान गलत और बुरे होते हैं, पहले कर्म अच्छे करो, पैरों पे खड़े हो जाओ, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ चल लो, उसके बाद सोचना कि हाँ ठीक है हमें प्यार वगैरह करना चाहिए या फिर शादी वगैरह का सोचना चाहिए,